स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। ये है आपकी भूगोल 316 की वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम पूरा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि आपका टीएमए फुल्ली सॉल्व देखने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो ये पूरा फुल्ली सॉल्व असाइनमेंट है। अगर आपने 2022 के लिए एडमिशन अक्टूबर 2022 में एडमिशन लिया है और अप्रैल 2023 में आप अपना एग्जाम देंगे तो आप ये टीएमए बनाएंगे। इसके अलावा आपने अगर 2023 में एग्जाम देने हैं तो भी आप ये टीएमए बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों सेशंस के लिए टीएमए है। बार बार बच्चे फिर कमेंट करके बोलते हैं कि मैम बताइए कि इस सेशन के लिए है या नहीं। तो आपके दोनों सेशन के लिए टीएमए है, पूरा फुल्ली सॉल्व है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ वीडियो को ऑन करिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इससे पहले भी मैं बहुत सारे टीएमए आपके अपलोड करवा चुकी हूँ और आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो जाकर टीएमए आप देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं आपके टीएमए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। भूगोल के लिए बच्चे कह रहे थे तो भूगोल का पूरा अच्छे से सॉल्व टीएमए यहाँ पर आपको दिखने वाला है। अच्छा, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दे दूँ तो आपको जो है प्रैक्टिकल पेजेस का यूज करना है इनको बनाने के लिए। ब्लू और ब्लैक दो पेन का यूज करेंगे। बाकी जो हेडिंग्स हैं जैसे कि भूगोल 316 आपने लिख दिया वो आप स्केच पेन का यूज कर सकते हैं वहां पे लिखने के लिए। एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है, ऑनलाइन अपलोड होंगे। चलिए, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं और ए और बी पार्ट आपके 6 के 6 क्वेश्चन पूरी इस वीडियो में आपको दिखने को मिल जाएंगे। आराम से आप सॉल्व हैं तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा के आपको दिए हैं, चिंता की कोई बात है ही नहीं। गारंटी के साथ आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ए और बी दोनों पार्ट नहीं करने होते, एक पार्ट करना होता है चूज करके। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट दिखाऊंगी आपके, फिर बच्चे यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि आपने मुझे एक पार्ट क्यों करवाया, दोनों क्यों नहीं करवाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2 नंबर में होने वाला है ये क्वेश्चन, और इसका हमें 40 से 60 शब्दों में वर्ड लिमिट का पूरा मैंने ध्यान रखा है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मैंने इसमें बी पार्ट चूज किया है कि आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की भू आकृतियों की पहचान हमें करनी है, फिर प्रत्येक भू आकृति के निर्माण हेतु उत्तरदायी को एक बिंदु लिखना है। आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे आप, पूरा आंसर आप लिखेंगे कि भू आकृतियां पृथ्वी की सतह पर ऐसी विशेषताएं हैं जो भूभाग का निर्माण करती हैं, जैसे पहाड़, घाटियां, मैदान या पठार। पूरी आप सब चीजें आप ध्यान से लिखेंगे, मैदान और पठार, फिर मैंने इन 2 भू आकृतियों के बारे में लिख दिया, ठीक है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी आपका 2 नंबर में होता है, बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया हुआ। 40 से 60 शब्दों में आपको आंसर करना है। ए पार्ट मैंने इसमें चूज किया है कि जलवायु में वायुमंडल में जलवाष्प की अनुपस्थिति में धरातल पर किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है, यानी कि अगर वाटर वेपर्स ना रहे तो क्या होगा, जलवाष्प ना रहे तो क्या होगा। कोई 2 बिंदु हमें लिखने हैं। तो आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा कि वायुमंडल में जलवाष्प की अनुपस्थिति में धरातल पर निम्न प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। उसके बाद आप लिखेंगे पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका या फिर पॉज करके वीडियो को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे टीएमएस भी आपके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम पर विश्वास करिए, आपके सारे टीएमए जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। चाहे आप 10th के बच्चे हो या फिर आप 12th के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के टीएमए आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जिन भी बच्चों का इनका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे ज्वाइन कर सकता है और हमें पर्सनली मैसेज करिए, वहाँ पर टीएच क्लासेस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। पर मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो पीडीएफ है ये पेड होने वाले हैं, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर, और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो के माध्यम से ये जो टीएमएस है वो मिल रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके 2 बिंदु पूछे गए थे, मैंने यहाँ पर 3 बिंदु लिखवा दिए हैं, आप चाहें तो 3 लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में यहाँ तक, ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए, आप ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर में है अगेन, 40 से 60 शब्दों में आंसर करना है। बी पार्ट मैंने इसमें चूज किया है, आपके घर में उपलब्ध जीवों के आधार पर एक खाद्य जाल हमें बनाना है, इस खाद्य जाल से आप कैसे जुड़े हुए हैं ये भी हमें बताना है। तो उत्तर देख लीजिए, पहले मैंने लिखा मेरे घर में उपलब्ध जीवों के आधार पर खाद्य जाल, और इस तरीके से आपको ये जो पिक्चर है ये ड्रॉ करनी है, पूरी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, या फिर आप चाहे तो गूगल से निकलवा कर ये पिक्चर पेस्ट करवा कर भी अपलोड कर सकते हैं आपके टीएमए में,
ठीक है, लेकिन इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, ये पूरी पिक्चर आपको बनानी होगी। अगर आप पीडीएफ लेते हैं हमसे तो आपको पिक्चर आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये पॉइंट लिखना है कि मनुष्य को खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कहा जाता है कि हम कैसे इसमें जो है जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से। इसका पूरा आंसर यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर पॉज करके भी आप लिख सकते हैं आंसर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी वर्ड लिमिट के साथ साथ मार्क्स भी बढ़ते हैं। ये आपका 4 नंबर में है और ए पार्ट मैंने इसमें चूज किया है, पिछले 2 वर्षों में भारत में घटित किन्हीं 2 प्राकृतिक विपदाओं की पहचान हमें करनी है और इनके घटित होने के कारण देने हैं, फिर उसके बाद इन विपदाओं को नियंत्रित करने के 2 उपाय सुझाने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, हमसे बोला गया है कि 2 प्राकृतिक विपदाओं के नाम बताओ। तो आंसर आप देख लीजिए कि हमने बता दिया यहाँ पर 2021 सौराष्ट्र बाढ़ और चक्रवात गुलाब और शाहीन। ठीक है, तो पहले आप ये दोनों लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नीचे से 2021 सौराष्ट्र बाढ़ के कारण क्या क्या थे। तो पूरा आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिए। पूरा आप लिख लीजिए इसको। उसके बाद मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको नीचे से लिखना है ये कि चक्रवात गुलाब और शाहीन के क्या कारण थे। यहां तक आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इन विपदाओं को निम्न तरीकों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हमें जो इनसे हम ये जो है विपदाओं को रोक सकते हैं या इनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो आंसर आपका पूरा हो जाएगा यहाँ तक। पूरा आंसर आपको लिखना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है लिखने में। ठीक है, और अच्छी अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग आपकी सुंदर आप रखिएगा, क्योंकि TMAs में आप अगर आप हैंड राइटिंग अच्छी रखते हैं तो आपको फायदा होगा, ट्यूटर जो होगा वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। और अगर आप हमारे चैनल से कर रहे हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर वैसे भी मिलेंगे। अगर आप हैंड राइटिंग भी अपनी सुंदर रखेंगे तो आपको ही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, ये भी आपका 4 नंबर में है। 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। ए पार्ट मैंने इसमें चूज किया है। क्वेश्चन था आपका कि पहचान कीजिए कि आप आपके क्षेत्र में दीवार और छत के निर्माण के लिए किस प्रकार की भवन निर्माण सामग्री प्रयोग की जाती है। तो आंसर देख लीजिए इसका। सबसे पहले यहाँ पर बता दिया मैंने दीवार निर्माण में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, पत्थर या बेसाल्ट पत्थर, ईंट का प्रयोग और मिट्टी का गार का प्रयोग। पूरा आप लिखेंगे आंसर। उसके बाद हमारे हमने लिख दिया छत के निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है। तो छप्पर या छाजन, चिकनी मिट्टी के में गोबर मिलाकर और दीवारों के लेंटर के ऊपर लोहे की छड़ों की जाली बिछाकर भी हम जो है छतों का निर्माण कर सकते हैं। तो पूरा आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा, 5th आंसर पूरा आपका मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारा लास्ट आंसर और लास्ट क्वेश्चन हमारा रह जाता है, जो कि आपका 6th प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 6 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बस हमारे चैनल पर आपको मिल जाता है पूरे 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ढूंढने पर भी आंसर कई बार नहीं मिलता है। तो आंसर पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना था, एक सर्वेक्षण करना है परिवहन के साधनों को लेकर। उसके बाद हमें उपलब्ध साधनों की सूची बनानी है, यानी कि हमारे जो आसपास के परिवार के सदस्य हैं उनसे पहले मैंने सूची बनवाई। ठीक है, सूची हमने बनाई, उसके बाद आपने अपने परिवार के आसपास या बुजुर्गों से आपको चर्चा करनी है और पता लगाना है कि पहले किस प्रकार के परिवहन के साधन वो लोग उपयोग करते थे, और फिर हमें एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है। तो 3 क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे गए हैं, तो आंसर देख लीजिए इसका यहाँ से हो जाएगा। पूरा आंसर आप लिखेंगे, पहले आप तालिका बनाएंगे यहाँ से लेके पूरी। ठीक है, पूरी आपने तालिका बना दी, मैं आपको दिखा देती हूँ ये तालिका। ये तालिका आपको पूरी बनानी है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि पहले के बुजुर्ग लोग किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो पहले हमारे बुजुर्ग लोग किन किन साधनों का, पैदल, पालकी, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, साइकिल आदि परिवहन के साधनों का प्रयोग करते थे। और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट है आपकी, ये रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरे आपको रिपोर्ट लिखनी है नीचे तक। अभी मैं नीचे भी आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ, पूरी रिपोर्ट आपको इस तरीके से तैयार करनी है, ये यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको आंसर नंबर 6 क्लियर है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपका जो टीएमए है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आप लाइक में बहुत कंजूसी दिखाते हैं, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो टीएच क्लासेस को, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपकी रिलेटेड होती है आपके टीएमए प्रैक्टिकल सॉल्व पूरे के पूरे। इसके अलावा हम आपकी तैयारी भी करवाते रहते हैं। आपके अक्टूबर वाले बच्चे हों या फिर आप अप्रैल वाले बच्चे हों, दोनों बच्चों की हम तैयारी दोनों सेशन की साथ साथ करवा रहे हैं। अक्टूबर की भी हम अभी साथ साथ तैयारी करवा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ ताकि सबकी मदद हो जाए। इसके अलावा अभी तक कमेंट नहीं किया है, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है। डू कमेंट ऑन द वीडियो टू लेट अस नो हाउ यू लाइक इट। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।